बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू सेक्शन ई। डियर स्टूडेंट, वी विल हियर ट्राई टू आंसर दी आस्क क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सामना है। बेटा, ये सवालात आप जानते हैं कि इसको जो है ना, हमने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए जो तहरीर करना होता है, इसके जवाब तलाश करने की कोशिश करनी होती है, वो बहुत दिलचस्प मरहला होता है ये, जिसमें हम जो है ना अपने आईक्यू लेवल को भी टेस्ट करते हैं, और जो है हम टेक्स्ट बुक के अलावा भी अगर किसी दूसरे सोर्स से इसकी हेल्प मिले वहाँ से भी फ़ायदा उठाते हैं। हमारे सामने टेबल है डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखें तो इस टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं, परसेंटेज लिखी हुई है। एलिमेंट के दो कॉलम हैं, सिंबल भी उनके सामने दिए हुए हैं, इस तरह उनकी परसेंटेज भी सामने लिखी हुई है। सवाल क्या है कि टेबल गिवन बिलो शो द अमाउंट ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इस टेबल में वो एलिमेंट दिखाए गए हैं जो इंसानी जिस्म में मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल। इनमें ज़्यादातर जो हैं वो कौन हैं, किस कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, नॉन मेटल हैं। ठीक है जी, ये कौन से एलिमेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट जी। और इन बायो एलिमेंट में ज़्यादातर नॉन मेटल हैं। ठीक है, टेबल को जब तक हम नहीं डिस्कस करेंगे, सवालात के जवाब हम नहीं दे सकते। सिर्फ इसमें एक ही सवाल है, सॉरी एक ही टेबल है और इसके 4 क्वेश्चन है। एलिमेंट ऑक्सीजन सिंबल ओ, एलिमेंट कार्बन सिंबल सी, ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन का एच है, नाइट्रोजन का एन है, कैल्शियम का सी ए है, फास्फोरस का पी है। अब इसकी परसेंटेज भी दी हुई है, तो अगर आप इसमें देखें बेटा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, ऑक्सीजन की है। डेफिनेटली 65% ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडी में, ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं। और कितने एलिमेंट हैं जी, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह 12 एलिमेंट बनते हैं। परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको जो है ना हम यहाँ पर नंबर 1 टॉप पे रख रहे हैं। कार्बन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%। क्लियर हो गया जी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए, दूसरी तरफ जाते हैं। एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है पोटाशियम, सिंबल के है, परसेंटेज है 0.4% बॉडी में ह्यूमन की। सल्फर सिंबल एस है, परसेंटेज है 0.3%। सोडियम एन ए सिंबल जानते हैं, और इसकी परसेंटेज कितनी है, 0.2%। क्लोरीन सिंबल सी एल है, इसकी परसेंटेज भी सोडियम के बराबर है, यानी 0.2%। मैग्नीशियम 0.1%। कॉपर सी यू सिंबल है, और इसकी जो अकरेंस है बेटा, वो है ह्यूमन बॉडी में लेस देन 1, यानी कि ये 1 से भी कम है। कॉपर को छोड़ के अगर आप तमाम इन गिवन एलिमेंट की परसेंटेज को जमा करें, तो ये 99 बन जाएगा, और 1% जो है ना वो कॉपर के लिए है, लेकिन कॉपर 1% से कम पाया जाता है। ठीक है जी, ये टेबल है, और अब हमारे सामने हैं सवालात। पहला सवाल है, विच 3 एलिमेंट आर मोस्टली अबंडेंट इन आवर बॉडी। कौन से 3 एलिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं हमारे जिस्म में, टेबल से पता लग जाएगा जी। पहला तो ऑक्सीजन है, दूसरा
कार्बन है तीसरा परसेंटेज की पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन है। ठीक, इसका ये देखिए जी, ये टेबल हमारे सामने थी, ये टेबल मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया था, ये टेबल आ गई थी, इसको मैं आपके सामने अगर नोट्स में इधर लिख भी लेता हूँ, लिखा हुआ है, लेकिन हम इधर ऑनलाइन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, चलिए टेबल का डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद जो है ना हम इस क्या करेंगे बेटा, इसके जवाब लिखते हैं। आप पहला सवाल, उसके बाद है जी दूसरा, फिर है तीसरा और इस तरह है चौथा। ये देखिए पिछले थ्री एलिमेंट आर मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी, कौन से तीन एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हैं? तो इसमें ऑक्सीजन है परसेंटेज में, ठीक, उसके बाद कॉमा कार्बन, यही परसेंटेज ज्यादा है ना, उसके बाद ऑक्सीजन है पहले नंबर पे, दूसरे पे कार्बन है एंड थर्ड नंबर पे है जी हाइड्रोजन। ठीक हो गया जी, सिर्फ नाम लिख दें तब भी बेहतर है, परसेंटेज नहीं पूछी है, सिर्फ नाम पूछे हैं। तो आप टॉप से शुरू करें, ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% है, इनके सामने ब्रैकेट में परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई दी मेटल एंड नॉन मेटल, आइडेंटिफाई दी मेटल एंड मेंशन दी वन दैट हैव दी लीस्ट एंड द मोस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। बेटा इस टेबल में आपने क्या करना है कि मेटल को आइडेंटिफाई करना है, ये याद रहे कि इस टेबल के अंदर ज्यादातर एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन आपने मेटल को आइडेंटिफाई करना है, और जब आप मेटल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप ये बताएंगे कि कौन सी मेटल सबसे ज्यादा और कम पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। पहले कॉलम में देखें ना, कोई मेटल है? यस, दिस इज कैल्शियम, ये मेटल है इस पूरे कॉलम के अंदर, पहला जो कॉलम है, इसकी परसेंटेज कितनी है? 1.5। अब आप दूसरे में आ जाएं, दूसरे के अंदर पोटाशियम है, परसेंटेज 0.4 है, उसके बाद सोडियम है 0.2 है, उसके बाद मैग्नीशियम है 0.1 है, फिर कॉपर है लेस देन 1 है। इसका जवाब यहाँ मैंने लिखा हुआ है जी, ये यहाँ से आपके सामने, मैं इधर से इसको कॉपी करके आपके लिए इस पेज पे लिख देता हूँ, ये दीजिए। ठीक है स्टूडेंट जी, इसका जवाब आपके सामने है, क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। आइडेंटिफाई दी मेटल, ये देखें ना, इसका पहला पोर्शन जो है, पहला हिस्सा सवाल का, तो ये है, इसका जो जवाब है हमने वो यहाँ तक कर लिया, ये आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई टेबल में से। अब आपने ये लिखना है, मेंशन करना है कि कौन सी जो है ना लीस्ट और कौन सी मोस्ट परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में। तो फिर कॉपर शो दी लीस्ट और जबकि कैल्शियम शो दी मोस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, परसेंटेज बेटा पूछी है तो आप बेहतर होगा कि इसमें परसेंटेज लिख दें, कॉपर की परसेंटेज कितनी है, ये लिखा हुआ है लेस देन 1%। बेहतर है कि हम क्या करें,
यहाँ इसकी ब्रैकेट में हम लिख दें तो अच्छी बात है, अगर याद हो जाए आपको लिखें, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ बताना भी काफी है, जबकि कैल्शियम की परसेंटेज है 1.5। ये लीजिए इसकी भी परसेंटेज हम यहाँ लिख लेते हैं कैल्शियम की, ना ज़्यादा परसेंटेज वाली मेटल ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम है जो 1.5% पाई जाती है, और सबसे कम कॉपर है, ठीक है जी, इसकी परसेंटेज होगी ये लीजिए, और 1.5 वाली होगी कैल्शियम, दैट इज राइट। आइडेंटिफाई नॉन मेटल, आपने मेटल को आइडेंटिफाई किया हुआ है ना, ये देखें इसमें इनके अलावा जो होंगी वो नॉन मेटल होगी, वो आइडेंटिफाई करने। मेटल कितनी है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेटल हैं आउट ऑफ 12, तो 7 जो है ना वो नॉन मेटल होंगे, तो इसका जवाब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये नॉन मेटल भी आपके सामने आइडेंटिफाई होगी, और कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। ये 7 आ गई जी, ये देखिए बेटा, एंड दैट इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन 3 तो ये हो गई है, फास्फोरस 4, सल्फर 5, क्लोरीन 6, चेक कर लें जरा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, और उसके बाद है जी नाइट्रोजन, ये भी तो देखना, देखा ना चेक किया तो हमें पता लगा हमने किसको मिस किया हुआ है, ये किया हुआ है जी नाइट्रोजन को, यहां से अब ये 7 हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 5 ये आ गई थी मेटल, 7 नॉन मेटल, तो तादाद में ये कितनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं, एक बार याद भी हो जाए आपको, 7 है, और ये जो मेटल थी ये कितनी थी, ये टोटल जो थी ये गिवन में टेबल में जो हमें टेबल दी गई है इसमें ये टोटल 5, ठीक है, इसलिए ये बेटा आपके इसकी कैलकुलेशन हो गई। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द टेबल आइडेंटिफाई एंड लिस्ट नेम ऑफ द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन गैस स्टेट, आपने उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनकी लिस्ट बनानी है जो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, गैस की हालत में पाए जाते हैं, ये कौन कौन से हैं जरा सोचें, जब आप सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन जो गैसेस फॉर्म में है, इसको यहाँ कर लें, इसके लिए अगर मैं लिख दूँ सिंबल फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ऐसे करके यूं, जी स्मॉल का मतलब है गैस, गैसेस के लिए पाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है बेटा, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में हो गई, नाइट्रोजन भी गैस फॉर्म में हो गई, अब आप आ जाएं, ये पहला कॉलम पूरा हो गया, 1, 2, 3, तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, नंबर 4 पे देखें इस कॉलम में देखें कोई है जो गैसेस स्टेट में, पोटाशियम मेटल है सॉलिड है, सल्फर नॉन मेटल सॉलिड है, सोडियम मेटल है सॉलिड है, क्लोरीन, यस दैट इज क्लोरीन गैसेस स्टेट में, मैग्नीशियम मेटल होती है बेटा और कॉपर भी मेटल होती है, तो हमारे पास कौन कौन बच गए हैं, ये एलिमेंट गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 3, क्लोरीन 4,
देखा आपने कि फोर एलिमेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 12 इन द टेबल विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट इन द नेचर। इसका जवाब मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, ये देखिए जी क्या है वो जवाब, ये है जी जो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट, उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका जवाब भी आपके सामने आ गया है, दीज आर द एलिमेंट। क्लियर हो गया जी। जी तुलबा, ये था हमारा कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसमें जो है ना मज़ा आया होगा, दिलचस्पी से आपने अगर इसको जो है ना समझा है, पढ़ा है, देखने है कि जो है ना यहाँ पर जहमत गवारा की है, यकीनी तौर पर आपको बहुत बहुत इसमें लुत्फ आया होगा। ठीक है जी, इस टेबल से रिलेटेड फोर क्वेश्चन थे जो हमने अटेम्प्ट कर लिए, और इस तरह ये जो हमारा लास्ट पार्ट था एक्सरसाइज का वो हुआ पाया तकमील को पहुंचा। और नेक्स्ट हम अपना यूनिट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उस यूनिट के बारे में एक सरसरी सा जायज़ा ले लें, तो मैं फिर आप उसकी रीडिंग और रीडिंग के बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये स्टूडेंट एक थोड़ी सी मालूमात डिस्कस करने के लिए मैं इस टेबल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में टेबल है, इसमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और इनके नंबर कितने हैं 12। तो इनमें से कुछ मशहूर एलिमेंट हैं जो आप जानते होंगे, जिनको डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, मुख्तलिफ इश्तहारात में देखा होगा कि उनके इंसानी जिस्म में क्या रोल हैं। कुछ को जाना हम जानते हैं, कुछ को इस लेवल पे हम देखते हैं, जो और एलिमेंट हैं जिसको हम इतना नहीं जानते उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन का क्या रोल होता है मेरी बॉडी में? ऑक्सीजन जो होती है ये एक रेस्पिरेटरी गैस है, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग में इसका बड़ा रोल है। ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में, हमारे जिस्म में जाकर ये असल में इस्तेमाल होती है सेलुलर लेवल पे, ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन जो होती है ना, इसका इस्तेमाल जो होता है, और उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही होती है। ठीक है, और जबकि हम देखें कार्बन, कार्बन जो है ये तकरीबन एक एसेंशियल एलिमेंट है मॉलिक्यूल सिवाय वाटर को छोड़कर या दीगर एलिमेंट को छोड़कर, और ये कार्बन जो होती है मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जन्म किया था उनका हिस्सा होती है। हाइड्रोजन भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है मुख्तलिफ कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का हमारे जिस्म में, जैसे पानी है, ग्लूकोज है उसका ये हिस्सा होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन का हिस्सा होती है। ठीक है ना, प्रोटीन का नाम हमने सुना है, हमारे जिस्म में प्रोटीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। कैल्शियम और फास्फोरस, इसका यूज़ क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं ये दोनों जी, ये दोनों जो हैं हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, दे आर एसेंशियल फॉर द बोन हेल्थ। हड्डियाँ मजबूत होंगी तो हमारा ढांचा मजबूत होगा, स्केलेटन मजबूत होगा, और हम फिर सही तरीके से जिस्मानी काम सर अंजाम दे सकेंगे। पोटाशियम, सल्फर, ये सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, कॉपर, ये वो बेटा जो है ना एलिमेंट है जिसका हम ज़्यादा तस्करा नहीं सुनते, आपने कम सुना होगा, लेकिन ये हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, इनका रोल है। ये मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारे सेल में हो रहे हैं सेलुलर लेवल पर, उनका ये हिस्सा होते हैं।
हमारे जिस्म में कुछ मॉलिक्यूल ग्लोबुलर शक्ल के पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम। आप क्लास 9th में पढ़ेंगे तो उन एंजाइम के ये हेल्पर होते हैं एलिमेंट, उनको जनाब जो है ना फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसेस कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसमें चाह रहा था कि आपको जाते जाते इस टेबल में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट के बारे में एक अमूमन जो है ना मालूमात जनरल नॉलेज के तौर पर शेयर करता चलूँ। तो उम्मीद है आपको इसकी मालूमात जो है ना वो पसंद आई होगी। तो आप इन सीधा सीधा एलिमेंट के बारे में ज़रूर जानें और देखें। अलबत्त आप हैरान होंगे, इस टेबल में हमें एक एलिमेंट जो बड़ा मशहूर है वो नज़र नहीं आ रहा। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है आयरन। जी, आयरन की डेफिशिएंसी का इश्तिहार तो आपने देखा होगा, कैल्शियम का भी देखा होता है, ठीक है ना। हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, इसका तो कमर्शियल वे भी आता है, पब्लिक अवेयरनेस मैसेज भी आप देखते हैं, आयरन का भी देखते हैं नीडो बुनियाद की शक्ल में कि किस तरह बच्चों में खासतौर पर आयरन की कमी उन्हें कमज़ोर कर देती है। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिए मुझे, इस टेबल को दूसरे एंगल से देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।